आइए अब चर्चा करते हैं लास्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि है इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो। इस इंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन से ही क्लियर है कि ये मेमोरी के कंटेंट किसी लोकेशन के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। इंक्रीमेंट करने के बाद अगर वो कंटेंट जीरो हो जाए तो एक इंस्ट्रक्शन स्किप करना है, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में वो एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। दो बातें, पहली बात ये कि मेमोरी के किसी भी लोकेशन के कंटेंट को आप डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए उसको डेटा रजिस्टर में लेके आना पड़ेगा, मैनिपुलेशन तभी पॉसिबल है, और उसके बाद उसे वापस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। और दूसरी बात, हम पहले के अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि हम किसी इंस्ट्रक्शन को स्किप कैसे करते हैं। हम अगर प्रोग्राम काउंटर को दो बार इंक्रीमेंट कर दें तो एक इंस्ट्रक्शन स्किप होता है, ये हम जानते हैं। एक बार तो वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन साइकिल में T1 पे यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर हम उसको एक बार इस T1 के बाद कभी इंक्रीमेंट कर दें तो वो इट इज इक्वलेंट टू स्किपिंग अ इंस्ट्रक्शन। तो अब इसके रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज फॉर्मेट में यही बताया गया है। अगर प्रोग्राम डिकोडर इंस्ट्रक्शन डिकोडर का जो सिग्नल D6 है वो हाई हो और T4 सिग्नल हो, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल, तो सबसे पहले आपको मेमोरी के एड्रेस लोकेशन, मेमोरी की वो एड्रेस लोकेशन जो एड्रेस रजिस्टर स्पेसिफाई कर रहा है उसके कंटेंट डेटा रजिस्टर में लाने हैं। नेक्स्ट टाइमिंग साइकिल में उस कंटेंट को इंक्रीमेंट करना है, और फिर उसके नेक्स्ट टाइमिंग साइकिल T6 में वो कंटेंट वापस मेमोरी में स्टोर कर देने हैं। फिर अगर डेटा रजिस्टर के इस वक्त इंक्रीमेंट करने के बाद वो कंटेंट जीरो हो जाए तो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देना है। ये दोबारा अपडेशन है, एक तो T1 में अपडेट हो चुका है, यहां पे दोबारा अपडेट होगा, और सीक्वेंस काउंटर को क्लियर कर देना है। ये दो बार इंक्रीमेंट करने का इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, इट इज इक्वलेंट टू स्किपिंग अ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर डेटा रजिस्टर के कंटेंट जीरो नहीं है तो फिर ये इंक्रीमेंट नहीं होगा और नॉर्मल कोर्स में जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। अब समझते हैं कि हम प्रैक्टिकली इस ऐसे इंस्ट्रक्शन को कब यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में, इफ देन एल्स, उसमें क्या होता है, आप कोई कंडीशन सेट कर देते हो, और कंडीशन सेट करने के बाद आप एक काउंटर सेट कर देते हो। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जितनी बार आपने काउंटर की वैल्यू सेट की है उतनी बार वो लूप में इटरेशन होता रहता है, उतनी बार वो लूप चलता है, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से स्किप कर जाता है और नॉर्मल कोर्स में अपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहता है। तो वही यहां पे हो रहा है, उसी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं ISZ इंस्ट्रक्शन को। मान लीजिए मुझे कोई लूप 25 बार चलाना है, तो नॉर्मली इस डेटा मेमोरी में के उस लोकेशन की कंटेंट को हम नेगेटिव में रखेंगे, -25। अब क्या होगा, हर एक स्टेप में जब वो एग्जीक्यूट होगा डेटा रजिस्टर के कंटेंट इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, 25 में 1 जोड़ा तो -25 में 1 जोड़ा तो -24, फिर इंक्रीमेंट होगा -23, -22, तो क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है 1 जोड़ने से वो डिक्रीमेंट होता जा रहा है, और तब तक वो होता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते करते जीरो तक ना पहुंच जाए। माइनस वैल्यू है, जितनी बार इंक्रीमेंट करेंगे वो कम होती रहेगी और एक जीरो तक पहुंच जाएगी। जैसे ही वो वैल्यू जीरो तक पहुंचेगी तो ये कंडीशन को चेक करेगा और उस लूप से बाहर निकलने के लिए एक इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा, जो कि यहां पे हम प्रोग्राम काउंटर को दोबारा अपडेट करने पे प्राप्त होगा, और उसके बाद सीक्वेंस काउंटर को क्लियर कर देगा। तो उससे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इस लेक्चर में समझा कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें 7 के 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को दर्शाया गया है। यहां पे ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, ये सीक्वेंस नंबर T4 से, टाइमिंग सिग्नल T4 से आगे की स्थिति दर्शा रहे हैं। जो हमने अभी तक डिस्कस किया सारे लेक्चर में वही यहां पे समराइज किया गया है। यहां पे T4 से इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि T3 तक, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, सारे सीक्वेंस जो हैं सेम रहते हैं, T3 तक सेम रहेंगे,
सीक्वेंस काउंटर जीरो किया T0 पर, ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट एड्रेस रजिस्टर में जा रहे हैं, T1 में आप इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हैं, फिर ये आप डिकोड कर रहे हैं, डिकोडिंग की प्रोसेस चल रही है, T3 तक सब ये सेम है। T3 के बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के एंड का ये T4 है और T5 में खत्म हो गया, एड भी T4 T5 में खत्म हो गया, LDA T4 T5 में खत्म हो गया, STA सिर्फ T4 में ही खत्म हो गया, अनकंडीशनल ब्रांच भी T4 में खत्म हो गया, ब्रांच एंड सेव एड्रेस T4 और T5 लगा, और सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा टाइमिंग साइकिल हमें लगे ISZ में T4 T5 T6 तक। तो हमने इस लेक्चर में जाना कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। धन्यवाद।